नंबर थ्री पार्ट नंबर ये कौन सा पार्ट है? दो, ये तो इसको देख ले, रेडिकल ऑफ 2x² जमा 7x जमा 6 जरब है 2 का जजर। अच्छा अब इसको देख रफ वर्क में देख ले, ये रफ अमल में आप देख ले इसको, जो एक्स स्क्वायर है वो एक कॉन्स्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 का जजर जरब है 6 2 का जजर, तो ये क्या होगा 6 जरब है, ये दोनों मिलकर ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 के जजर का मुरब्बा, ठीक है ना। अब जजर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2, 1/2 जरब 2 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 6 जरब 2, ठीक है ना। अब इसका जवाब क्या आएगा, 12 आएगा ना, तो 12 को हमने इस तरह दो हिस्सों में तकसीम करना है कि अगर दो फैक्टर में चेंज करना है कि अगर जमा करें 7x आ जाए, तो वो कौन सा है, देखें ये 12 आ गया ना, एक तो फैक्टर ही आ गया, कौन सा पहले इसको देख ले ज़रा, ये देखें एक तो ये फैक्टर आ गया, दूसरा क्या आ सकता है 2 ज़रबे 6 ये खुद, तीसरा क्या हो सकता है 3 2 ना, तो अब देखें पहला फैक्टर ये आ गया 1 × 2 ये 12 है, ठीक है ना, दूसरा क्या है 2 × 6 ये भी क्या है 12, तीसरा है 3 × 2 ये देखें अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना होगा 4, ठीक है ना। तो इन में से हमने एक ऐसा पेयर लेना है कि जमा कर ले क्या आ जाए, जमा 7 आ जाए और ज़रब दे दे क्या आ जाए, तो वो कौन सा है देखें, मैंने बताया कि जमा करे ज़रब दे दे 12 आ जाए, जमा कर ले कितना चाहिए 7, तो वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना, सिर्फ एक पेयर हो सकता है ये, 3 × 4 = 7, 3 × 4 = 12, तो इस वजह से इसकी जगह हम लिख सकते हैं, अभी देखें 2 का जजर एक्स, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4x + 3x, तो इसको हमने स्प्लिट किया, ठीक है ना, जमा कर ले वापस वही चीज़ आ जाती है और ज़रब दे दे इन दोनों के असल ज़रब के बराबर आ जाता है ये चीज़, ठीक है तक। अच्छा जी अब इसमें देख ले, ये जो 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा 4 को देख ले आप लोग, ये इधर 4 को आप देख ले, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रबे, अच्छा इस वाले 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की ताकत 1/2 ज़रबे 2, लिख सकता हूँ ना इस तरह, यानी इसको लिख सकता हूँ 2 जज़र 1/2 का मतलब क्या है जज़र, फिर ये दोबारा बता रहा हूँ 4 × 2 ज़रबे 2, ये 2 इसको हम लिख सकते ताकत 1 है ना, तो उसको लिख सकते 1/2 ज़रबे 2, तो ये दोबारा कट जाएगी वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि इसको हम जज़र की सूरत में लिखें, ये जज़र लिखा 1/2 ये स्क्वायर, अब जब स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, इसको हम 2 मरतबा इस तरह लिख सकते हैं, तो ये 4, तो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2x, इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ 2 2 का जज़र 2 का जज़र, ठीक है ना, इसका मतलब वही 4 है एक्स। अच्छा अब इन दोनों में कामन ले ले, देखें इसमें और इसमें क्या कामन है, 3 कामन है, 3 कामन लिया, बाकी यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 2 का जज़र, अब इन दोनों में कामन ले ले क्या चीज़ कामन है, 1 2 है, दूसरा एक्स है ना, हाँ 2 का जज़र कामन, यहाँ पर एक्स 2x है, यहाँ पर 1x है, तो x भी कामन ले सकते हैं, बाकी क्या बचा है यहाँ पर सिर्फ x बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 2 का जज़र 2 2 का जज़र बचा, ठीक है ये भी निकल गया ये भी निकल गया यहाँ पर। अच्छा जी ये चीज़ अब ब्रैकेट के अंदर जो रकमें हैं वो कामन है, दोनों में मुश्तरक है, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम क्या करेंगे कामन लेंगे, ठीक है ना, ये हमने कामन लिया एक्स जमा 2 2 का जज़र, ये कामन लिया, फिर ब्रैकेट लगाया अपनी तरफ से, बाकी जो क्या बचा ये जो साइडों में बचा ये और ये, इसको लिखेंगे उसी तरह इज़ इट इज़, 2x जमा क्या 3 ये चीज़, तो फैक्टर बन गया, तजी हो गई, ये एक जुज़ ज़र भी है एक जुज़ ज़र भी ये, तो यही हमने निकालना था ये जवाब, सही है, कोई डाउट है तो पूछ ले।